रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पंक्ति पर अपराध पर कसकर चर्चा, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर का सच यानी पूरा सच देखना ना जी न्यूज 18 पर, सिर्फ मेरे साथ। बेहतरीन मुंबई के गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में पहली बार इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच नेवाड़ा पुटमैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। मैच 2020 क्रिकेट मैच सीरीज में भारत और बांग्लादेश की टीम आमने सामने लड़ रही है। मैच का उद्घाटन बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने किया। पहले मैच की शुरुआत भारत और बांग्लादेश की टीम ने हाथ मिलाकर किया। इस मैच के कमाल की बात यह है कि दोनों टीम विकलांग है। उद्घाटन के दौरान सुनील शेट्टी ने कहा कि यह बहुत ही अद्भुत मैच है और ऐसे मैच बहुत कम दिखाई देता है। दोनों देशों के बीच अच्छी शुरुआत होने वाली है। वहीं मैच के आयोजक नेवाड़ा पुटमैन ने बताया कि इस मैच का पहली पारी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खेली जा चुकी है। सेमीफाइनल और फाइनल मैच मुंबई में किया जा रहा है। क्रिकेट ऑन अ व्हीलचेयर, कमाल की कॉन्सेप्ट। और ऑर्गेनाइजर्स को, एनजीओ को, पुटमैन जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि यू नो ऐसे इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है और हम खेलते कूदते रहते हैं, लेकिन इनकी आप अगर एनर्जी देखेंगे और इनकी स्पिरिट देखेंगे तो शायद हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। इसलिए जब मुझसे कहा गया कि ऐसा एक टूर्नामेंट हो रहा है और वो भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच, तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ होना बहुत ही जरूरी है। मेरा हमेशा मानना है कि जिंदगी में हमें, जिंदगी ने हमें और ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर हम किसी भी तरह से इनके लिए और उन अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कुछ कर सके तो बहुत बड़ी बात है। ओके सर, जैसे कि देखा कि बहुत इंस्पायरिंग होता है जब ऐसे लोग, जब जो डिसेबल लोग होते हैं वो भी गेम खेलते हैं, वो भी खेलते हैं। आई थिंक स्पेशली एबल्ड कहते हैं हमें, डिसेबल नहीं कहते, लेकिन बट यस स्पेशल। आई थिंक ध्यान दे रहे हैं, अच्छे लोग ध्यान दे रहे हैं। अगर मीडिया ऐसे और फैलाए तो और फोकस रहेगा। मैं अपनी एक एनजीओ चलाता हूँ, सेव द चिल्ड्रन इंडिया के नाम से, और बहुत काम करते हैं हम लोग। स्पेशल बच्चों के लिए टूर्नामेंट भी लगाते हैं जहाँ महाराष्ट्र से कम 18-19 टीम्स आते हैं। तो आई थिंक इस बार भी महीने डेढ़ महीने में हम वो ऑर्गेनाइज करेंगे और उनकी उत्साह देखकर ही हमें मन करता है कि नहीं यार, हमें भी कुछ करना चाहिए उनके लिए। और तो वैसे ही इंडिविजुअल जब आगे आते हैं उन्हें बहुत फर्क पड़ता है। इसमें मेरा मानना है जिंदगी में हमेशा देकर भूल जाओ, लेकिन जब आप कुछ एक्सेप्ट करते हो उसको कभी भूलो नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें, और हर इंसान किसी न किसी कॉज से जुड़ा रहे, तो आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है। बिना दूसरे क्या करते हैं वो देखे, अगर हम खुद करें तो वो बेहतर रहता है। आई मीन डिपेंड्स, आज अगर आप पॉलिटिकली बात करो और अगर आप फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो जो हुआ उनको भुगतना पड़ा, लेकिन हर एक से गलती होती है, तो कहीं ना कहीं हमें माफ भी कर देना चाहिए। अगर हमें जेन्युइनली लगता है कि यू नो ये दोबारा उनसे नहीं होगा तो हमें माफ भी करना चाहिए, सिचुएशन देखकर करना चाहिए। और पॉलिटिकली हम फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव अगर उसे कंट्रोल किया जाए देन अपने आप पॉलिटिक्स स्टेज आउट ऑफ स्पॉट। मेरी बायोपिक बनने के लायक नहीं है, लेकिन संजय दत्त की बायोपिक बन रही है और आई थिंक रणबीर से बढ़िया और कोई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं रणबीर के पिक्चर्स भी देखो तो लगते ही है वो संजय दत्त इन हिज हेड इज। थैंक यू। कहना चाहेंगे आपने एक अलग ही तरीके का मैच ऑर्गेनाइज किया है, बांग्लादेश और इंडिया को मिलाने की कोशिश की है, बताइए। सबसे पहले तो मेरे टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बांग्लादेश को स्पेशली, क्योंकि अपने कंट्री में आए हैं यहाँ देश में खेलने के लिए, तो मेरी मुबारकबाद दोनों टीमों के लिए है। और दूसरा ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि जो मैच कर रहे हैं इसके ऊपर जो मैंने सोचा कि मुझे ये करना है इनके लिए, क्योंकि लोग जो अपने जो यहाँ के जो सरकार जो टीम है जो लोग हैं वो लोग इनको ध्यान नहीं दे रहे। और मेरा कहना यह है कि ऐसे चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए और ऐसे स्पोर्ट्स को अपन लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो इनके ऊपर ध्यान कौन रखेगा।
देखो गवर्नमेंट इसका ये पूरी ब्लेम नहीं है, लेकिन इन लोगों के बारे में ध्यान देना चाहिए, ऐसा मांग भी किया है अभी कि जो भी है इन लोगों को फैसिलिटीज बढ़ाई जाए और इन लोगों को आगे के लिए अपने कंट्री से बाहर जब दिया तो इनको फैसिलिटीज देके इनको हेल्प किया जाए, तो ऐसा मांग भी अपने डिसेबल स्पोर्टिंग हाउसिंग सोसाइटी ने इनको पुटअप भी किया है। अभी देखते हैं गवर्नमेंट इनके लिए कितना जो आगे है ध्यान देते हैं उनके बारे में। सर टीम को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो गवर्नमेंट की तरफ से इनकी जो वहाँ की जो सरकार है वहाँ से उनकी टीम को पूरा बांग्लादेश गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके वो यहाँ पर टीम उनका भेजा है। लेकिन बांग्लादेशी क्यों चुना आपने, और भी कंट्रीज के टीम को चुन सकते हैं? नहीं, हमारी जो डिजेबल स्पोर्टिंग टीम जो है वो ऑलरेडी नेपाल भी जा चुकी है, बांग्लादेश भी गए, थाईलैंड भी जाके खेल चुकी है, और इस टाइम पे हमला का ऐसा है कि 65 मैच अपना कोल्हापुर में हुआ है इनके अगेंस्ट, और ये सेकंड सेमीफाइनल जो फाइनल जो है वो हमारा गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में हो रहा है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं यहाँ एक कॉल पे आया हूँ, मुझे एक कॉल में आया जिसने बोला कि हम एक डिसेबल्ड का टूर्नामेंट करा रहे हैं जो कि बांग्लादेश और इंडिया की है, आप टाइम निकाल पाओगे क्या? मैंने बोला हाँ, टाइम नहीं भी निकलेगा तो जरूर निकालेंगे, और आया हूँ, देखा है ये लोग, मतलब एक होता नहीं है गूजबम दे देना बॉडी में कि गूजबम हो गए हैं कि ये लोग मतलब कैसे कर रहे हैं ये सब। एक नॉर्मल आदमी भी जब खेलता है तो थक जाता है, छोड़ देता है चीजें, हिम्मत हार जाता है, बट ये लोग जो कर रहे हैं ना ये सच्ची में एक मोटिवेशन है, ये इंस्पिरेशन है, और इनकी इस स्पिरिट को सल्यूट करते हैं कि सच्ची में लोग इनको देख के लोग जीना सीख रहे हैं। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज नेटवर्क पर वीडियो सहित पूरी वीडियो देख सकते हैं, और हमारे जी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।